आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात पार्टी में मैंने आपको देखा, आप कुछ परेशान लग रही थी। नहीं तो? मुस्कुराती हुई आप कितनी अच्छी लगती हैं, जब आप रोती हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं रो तो नहीं रही हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ खुश नहीं रहेंगी तो बोल दीजिए, अब भी वक्त है। मैं ये सगाई तोड़ दूंगा और इसका इल्जाम भी अपने पर ले लूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी और बात से परेशान थी। किस बात पर? मैं सोच रही थी कि अब तक मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला कैसे चुकाऊंगी। बदला चुकाने का एक तरीका मैं तुम्हें अभी बता सकता। लड़की बाजार में रखी हुई चीज होती है, हर लड़की, समझी? हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है, जिसे खरीदा जा सकता है और यूज करने के बाद फेंका जा सकता है। जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। डिफरेंस है सिर्फ एक कीमत की, सिर्फ एक। किसी की कीमत है कार, एक घर, एक जॉब, और किसी की कीमत है वादा, तुम्हारी तरह। सात फेरों के हसीन वादों पर बिक जाने वाली वर्षा मेहरा। और ये मत भूलो कि तुम भी बाजार में बिकने वाली चीज ही हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो, तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती है ना? बोलो, यही बात है ना? बात ये नहीं है वर्षा, बात तो वो है जो तुमने मुझे उस दिन पार्टी में कही थी और ये कहते हुए भूल गई थी कि मेरा नाम श्रवण धारीवाल है और श्रवण धारीवाल भूलता नहीं है, कभी माफ नहीं करता, समझी? जो उंगली मेरी तरफ उठी थी वो मेरे नाम की अंगूठी कैसे पहन सकती है? झूठ है, ये झूठ है। तुम जानते हो श्रवण क्या हो तुम मेरे लिए, कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें, पूरी तरह से हो चुकी हूँ मैं तुम्हारी, अपना बना लिया है मैंने तुम्हें, सब कुछ दे दिया मैंने तुम्हें, इतना अगर इतना नफरत करते तो मार डालो मुझे, तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं? बाजार में जाओ, वहां बहुत से खरीदार मिलेंगे तुम्हें, अरे जाओ। बाय वर्षा। Yeah, I'll catch the flight tomorrow and come. Yeah. I'll call you in 2 minutes.
तुमने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर मेरे डैडी की धड़कन रुक गई। वो मरे नहीं, तुमने मारा है उन्हें। तुमने मेरे जिस्म, मेरे दिल, मेरे रूह के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं श्रवण धारीवाल, कि तुम जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे लेकिन तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा श्रवण धारीवाल, कभी नहीं। महीनों तक घर पर छुपी बैठी रही, डर लगता था बाहर जाऊंगी तो लोग पहचान जाएंगे, मुझ पर हंसेंगे, उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे। कहां जाती मैं, क्या करती? यहां आपके पास आ गई, उस बदकिस्मत वर्षा को न्यूयॉर्क में छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि यहां भी एक और श्रवण मेरी राह देख रहा है। बिचारी। देख बेटा, मिट्टी डाल इन बातों पर। मैं जानता हूं तेरे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर बेटा तेरे दिल पे जो जख्म लगा उस जख्म का इलाज तो कराना पड़ेगा ना। अब बेटी, दिल के जख्म का इस दुनिया में सिर्फ दो ही इलाज हैं, एक वक्त और एक मोहब्बत। अब मेरे ख्याल में करण की मोहब्बत तेरे टूटे हुए दिल को दोबारा जरूर जोड़ देगी। ये दिल जोड़ सकते हैं अंकल, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता। मैं अब कभी किसी के प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती। हे बेटा, मैं एक बार फिर कहूंगा, करण बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके बैकग्राउंड, उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा। उसके बारे में जानता हूं वो लड़का तुझको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। अंकल, मैं और एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। उसे कहिएगा मैं उसके काबिल नहीं हूं, आइंदा वो मुझसे ना मिले। मैं समझा था कि तुमसे दूर भागकर, तुम्हें तड़पाकर पायल तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को जांच रही है, और जैसे उसे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे प्यार में कोई खोट नहीं तो वो तुम्हें अपना लेगी। अगर मेरा अंदाजा गलत निकला, आई एम सॉरी। मुझे अगर हकीकत का पहले ही पता होता तो मैं तुम दोनों को इतना करीब नहीं आने देता। क्या मतलब? आपको तो चार दिन पहले तक यह नहीं मालूम था कि पायल मेरी महबूबा है। करण मियां, इन तस्वीरों को देखकर तो अंधा भी समझ जाएगा, और पायल के आने से पहले ही मैं जानता था कि ये तस्वीरें पायल की हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पायल को मैंने मजबूर किया था कि वो यहां आए। मगर आप तो ये खबर लेके आए कि मैं हार गया हूं। करण, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको बोलते हुए वकील की जबान भी लड़खड़ाने लगती है। पायल के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक शैतान आया था उसकी जिंदगी में और उस मासूम बच्ची को इस बुरी तरह लूटा के उसे मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, हमदर्दी जैसे लफ्जों से नफरत हो गई है। आज उसकी यह हालत हो गई है कि वो किसी मर्द का नाम तक सुनने को तैयार नहीं। मगर
मैंने उसे तुम्हारे बारे में समझाया, तुम्हारे प्यार का यकीन भी दिलाया, मगर नहीं मानी वो, क्योंकि जैसे एक बार सांप डस ले फिर वो रस्सी से भी डरने लगता है। करण, पायल किसी भी हालत में एक और तजुर्बा नहीं करना चाहती है दोस्त। आई एम सॉरी।